हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल में आलू गोभी की सूखी सब्जी। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनने वाली है। आप देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही है। तो डेली लेडीज सोच सोच के परेशान हो जाती है, दिन में क्या बनाऊं, रात को क्या बनाऊं। तो आप लोग एक बार इस रेसिपी को एक टाइम पे जरूर बना के देखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा किलो गोभी और लिए है मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के आलू, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिए हैं और इनको इसी तरीके से कट करने हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जैसे कि आधा चम्मच जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और एक ली है मैंने हरी इलायची। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको मैं कद्दूकस करूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसको मैंने गर्म कर लिया है। इसमें मैं साबुत मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करूंगी, तो इसको कुछ सेकेंड रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मसाले रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इनको कूट लूंगी। अब यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच तेल, क्योंकि इसमें हमने गोभी और आलू को अच्छे से फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे गोभी और आलू को डाल दिया है, जिनको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। तो इसको इस तरीके से चलाते रहना है जिससे कि ये नीचे चिपके ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं डाल रही हूँ 8 से 10 हरी मिर्च, बीच में चीरा लगा के, क्योंकि हमें हरी मिर्च बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर जिस जिसको पसंद है वो इस तरीके से डाल सकते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है ये हरी मिर्च। इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करना। तो यहाँ पर हमारी आलू गोभी अच्छे से भुन चुकी है। यहाँ पर मैंने दोनों टमाटरों को ग्रेटर में ग्रेट कर लिया है और मैं कुछ बेसिक मसाले डालूंगी, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और उसके साथ मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगता है। अब इसका मैं अच्छे से बना लूंगी पेस्ट। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो मसाले रोस्ट किए थे उसको मैंने अच्छे से कूट लिया है बारीक। अब इसको मैं इसमें मिला करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लूंगी। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट बन करके हो गया है रेडी। अब मैंने ली है कढ़ाई जिसमें मैंने 2 चम्मच डाला है सरसों का तेल। उसको गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच जीरा और 2 पिंच हींग। अब इस जीरे को हमें अच्छे से चटकाना है। तो जीरा चटकने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है पेस्ट। आप चाहो तो जीरे के साथ आप साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अब इस जिसमें हमने मसाला बनाया है उस पेस्ट में थोड़ा सा पानी डाल के आप इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से चलाना है। और चलाना है इसलिए क्योंकि ये मसाला नीचे लग ना जाए। अब आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से पक भुन गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कटोरी पानी। ये मैं ग्रेवी वाला नहीं, मैं सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने पानी डाला है तो मैं ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो नहीं, मैं यहाँ पर सूखी सब्जी बनाऊंगी तो पानी की हमें जरूरत है। आप यहाँ देख सकते हैं पानी बिल्कुल सूख चुका है और यहाँ पर हमारा मसाला कितने अच्छे से रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पर डाल दी है आलू और गोभी जो कि मैंने पहले ही भून के रखी हुई थी। अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप देखिए किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी आलू गोभी बहुत ही ज्यादा अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने इसको ढक दिया है, ढक करके इसको सिम से मीडियम फ्लेम पे पकाना है 7 से 8 मिनट में और ये बहुत ही ज्यादा जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर ढक्कन खोल के देख लीजिए, यहाँ पर मसाला नीचे लग रहा है। तो मसाला अगर नीचे लग रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया लाजवाब लग रही है सब्जी दिखने में। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा लाजवाब लगती है खाने में और आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मेरे घर पे तो सबको ये सब्जी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो आप लोगों को भी आई होप बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनती है और बिल्कुल ढाबे स्टाइल में। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।